साथियों नमस्कार। मैं उस्मानी सर, टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में। तो ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ये हमारा मान लो इंडक्शन मोटर है। तो ये इसके हो गए पोल्स, एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल। इस प्रकार से पोल को जो है बड़ा पोल बनते हैं बाइंडिंग के द्वारा, और पोल में बन करके एक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ पर रोटेटिंग टाइप का मैग्नेट बनता है, घुमावदार, जिस प्रकार से हमारी जो मूविंग लाइट होती है जो घरों में लगती है, तो उस प्रकार से ये घूमता है। बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसी प्रकार से घूमता है, और इसके बीच में जो रोटर होता है वो भी घूम जाता है और आराम से मोटर रोटर जो घूमने लगता है। तो आइए देखते हैं, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या में परिवर्तित करके किस प्रकार से स्पीड को घटा देते हैं और बढ़ाते हैं। तो हमारे पास होती फ्रिक्वेंसी या बराबर पी एन बटे 120। हम मान लो हमारे पास प्रथम चरण में पी बराबर है 12, और फिर दूसरे चरण में पी बराबर 6। तो देखते हैं किस प्रकार से पोलों की संख्या को घटा करके और बढ़ा करके स्पीड को कैसे घटाते बढ़ाते हैं। तो हमारी एन जो हो गई, एन बराबर एफ गुणे 120 बटा पी। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो एन वन बराबर हो गई प्रथम जो है, तो हम 12 पोल को लेकर के चलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 50 हर्ट्ज गुणे 120 बटा 12 पोल करते हैं, 12 पोल करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 12 दशमलव 120 बराबर हो गई 500 RPM। ठीक है, 500 RPM आ गई हमारी स्पीड। यानी अगर हमारे पास में 12 पोल हैं तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, 500 RPM। अगर हम पोलों की संख्या को घटा देते हैं तब देखते हैं हमारी स्पीड दूसरे चरण में इंटू बराबर हो गई 50 पोल से रख देते हैं गुणे 120 बटा 6 आधे करते हैं, तो इसको हल कर लेते हैं 6 20 बराबर 1000 RPM। ये हमारी 1000 RPM। तो हम पाते क्या है, यदि हम पोलों की संख्या को बढ़ाते हैं तो स्पीड हमारी घट जाती है, और पोलों की संख्या को घटाते हैं आधे कर देते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी को घटाने बढ़ाने से भी स्पीड घटती और बढ़ती है। अब फ्रिक्वेंसी को देखते हैं, मान लो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है बराबर 40 हर्ट्ज है और 50 हर्ट्ज है। तो प्रथम चरण में फ्रीक्वेंसी की घटाने बढ़ा से ऐसे यह बराबर 120 बटा 30। अब इसमें मान रख देते हैं, तो हमारी एन वन बराबर फ्रीक्वेंसी 40 रखते हैं पहले, पोलों की संख्या को 6 ले लेते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 6 का 6 दूरी 12 20 चौधरी 800 RPM, 800 RPM आ गई हमारी। 400 अगर हमारे 40 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी, तो हमारी जो है घूर्णन गति हो गई 800 RPM। अब हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, एन टू कर देते हैं 2, तो इसको 50 कर देते हैं फ्रिक्वेंसी को, 6 का 6 दूरी 20 बच्चे बराबर 1000 RPM। एक हजार तो हम क्या पाते हैं कि यदि फ्रिक्वेंसी हमारी घटती है तो स्पीड हमारी घटती है, और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो गया एक विधि, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के द्वारा हम स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि अगर फ्रिक्वेंसी घटाओगे तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, और नंबर ऑफ पोल की संख्या को घटाओगे बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, तो इंटरव्यू में भी पूछ लेते। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी देखिएगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और